हाय फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो अब चलते हैं हम सरोवर के पास, नवग्रह सरोवर है वहाँ, तो आपको भी दिखाएंगे। यहाँ तो थोड़ा लाइटिंग है, अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा सा अंधेरा सा रहेगा वहाँ। पहुँचते हैं हम सरोवर के पास और इन्हें देखो, हमारी दीदी की नातनी, मतलब भारी चंचल है ये, बहुत तेज है ये। तो ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं टिक रही थी, मतलब ये बोल रही थी मुझे पैदल चलना है, तो इसको हमने छोड़ दिया था। तो मैंने कि चलो पैदल ही चल, बस ये देखिए इधर उधर ये बच्चे साथ में थे, तो सब उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को भाई चलना, कहीं भी खुली जगह मिल जाए तो उनको पैदल चलने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी इनकी तरह मैं भी चलूँ, तो इसीलिए वो हाथों में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, अपने आप ही चलना चाहती थी। अंधेरे में अपन, अंधेरा हो चुका है यहाँ नवग्रह सरोवर। और देखिए फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम सरोवर के पास में। तो यहाँ देखिए ये सीढ़ी लगी हुई है और पानी भरा हुआ है ये नीचे, और ये इधर उधर देखिए, मतलब काफी बड़ा है ये। तो जैसे लग रहा था ये हमें, मतलब वृंदावन में हो हम, क्योंकि ये ज्यादातर वृंदावन ही धाम में है ये, जाना तरह कभी हम जाते हैं तो वहाँ ऐसे ही, मतलब कुंड वगैरह बने हुए हैं, तो ऐसा ही लग रहा था ये। वो अभी क्या है, इनको मतलब चारों बगल से कुछ, मतलब अंदर जाने नहीं देते, मतलब रोक लगी हुई है ये। देखिए यहाँ उन्होंने ये लकड़ी बांध दी है, कोई नीचे ना उतरे, इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये अंधेरा सा हो गया था यहाँ, तो थोड़ा मतलब वैसा दिख रहा था ये। ये देखिए पानी भी था उसमें, पर ये पता नहीं कितना ये गहरा है, फिर भी जब इतनी सीढ़ी लगी हुई है तो ये गहरा ही होगा। तो बस चलते हैं अब यहाँ से हम, ये हमारे बच्चे हैं, तो बस अब हम यहाँ, और भी मंदिर हैं, तो ये काफ़ी जगह में बना हुआ है ये। अभी हम मंदिर में और चलेंगे, भगवान जी की काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिमा है यहाँ। तो ये हम पहुँच चुके मंदिर, मंदिर भी देखिए अंदर कितना बड़ा है ये। तो यहाँ विष्णु भगवान जी विराजमान हैं, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है देखने लायक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हुई थी। और यहाँ भी चलते हैं, तो ये भी मंदिर है, मतलब ऊपर ये दो मंजिल है, तो ऊपर भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी राम जी और सीता मैया हैं, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है यहाँ इनकी, तो बस इनके भी दर्शन कर लेते हैं। Yeah.
और फ्रेंड्स बस दर्शन कर लिए। ये है ऊपर का मार्ग पूरा, तो ये परिक्रमा मार्ग है और बस यहाँ से हम होते हुए नीचे चलते हैं, तो ऊपर भी काफ़ी अच्छा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स बस नीचे आ चुके थे हम यहाँ दर्शन करके, तो इसी रास्ते से हम अंदर गए हुए थे, इसी रास्ते से बाहर चलते हैं। तो हमें यहाँ 2 घंटे हो चुके बस सारा घूमा हमने, फिर भी हमने इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, तो क्योंकि अभी 8:30 का टाइम हो गया है, मुझे ग्वालियर भी निकलना है क्योंकि 9 बजे से ट्रेन भी है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा अब नहीं, अब हम घर वहाँ निकल के बस पहुँचते नहीं, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो इनको बस दीदी की नातनी और भांजी को बस घर छोड़ के अपना बैग लेके हमें पहुंचना है स्टेशन जल्दी से, तो पहुंचते हैं हम स्टेशन, मिलते हैं आपसे स्टेशन पहुंच के, क्योंकि ज़्यादा दूर स्टेशन नहीं है, यहाँ डबरा का पास में ही है। और यहाँ देखिए बस पहुंच चुके हैं हम स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और आने वाली है अभी ट्रेन हमारी। और ये देखिए अंशु हमें छोड़ने आया है क्योंकि यहाँ पास में ही है, तो ये भांजी का बेटा है और दीदी का लड़का भी आया था, तो अभी बस पहुंचते हैं हम स्टेशन। आपसे देखिए हेलो बाय कर रहा है ये। और देखिए फ्रेंड्स बस चढ़ चुके हैं हम ट्रेन में, तो सुपर फास्ट थी, सिर्फ 1 मिनट रुकी हुई थी वो, झट से चढ़ गए, पर हम आगे वाला डिब्बा ही था उसी में चढ़ गए, तो बस बट सीट नहीं मिली, पर तो भी कोई बात नहीं, बस 30-40 मिनट का रास्ता रहता है ग्वालियर का, अभी पहुंचते हैं, पर कभी कभी ऐसे भी सफ़र करना चाहिए। तो बस पहुंचते हैं हम अभी ग्वालियर, और देखिए फ्रेंड्स बस पहुंच चुके हैं हम ग्वालियर, तो बस कुछ ही टाइम लगा हमें पहुंचने में, और अभी हैं हम रेलवे स्टेशन पर, तो अभी बस बाहर निकलते हैं यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए, तो अभी हमारे पंडित जी बस आने वाले हैं, तो हम घर पहुंचते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।